स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम के तहत गुरुवार को कांग्रेस के नेताओं ने प्रवासी मजदूरों के सवाल पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। महागामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश यादव एवं महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष टोनी झा ने प्रवासी श्रमिकों एवं गरीबों के खाते में सरकार द्वारा 10,000 रुपये तुरंत देने की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार से मांग की कि हर महीने प्रवासी मजदूरों एवं गरीबों के खाते में 7,500 रुपये दिए जाएं। मध्यम वर्ग एवं छोटे व्यवसायियों को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की गई। इसके अलावे मनरेगा में 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन मजदूरों को रोजगार देने की मांग केंद्र सरकार से की गई। नमस्कार, आदाब, जोहार। महगामा के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, महागठबंधन के साथियों और आम जनता से मेरा निवेदन होगा कि देश में आज ऐसी कई आवाजें हैं जो जिसकी अनसुनी की जा रही है। उन आवाजों को उठाने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने अपील किया है कि आज 11 बजे से 2 बजे तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हम सब आकर के उन लोगों की आवाज बने जिनकी कोई नहीं सुनता है। कांग्रेस हमेशा से उन लोगों की आवाज बनती रही है और उन लोगों के आवाज को मजबूती देने का काम किया है, बुलंद करने का काम किया है जिनकी कोई नहीं सुनता। आज देश में कोरोना की महामारी की लड़ाई में आज हमारे मजदूर साथियों को, किसान भाइयों को, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या छोटे व्यवसायी हैं, उनकी आवाज, उनकी उनके दर्द को बुलंद करने की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर के कोरोना की इस महामारी की लड़ाई में वैसे लोगों की आवाज को बुलंद करें जिनकी आवाज को सरकार अनसुनी कर रही है। जो मांगे हैं उनको लेकर के हम लोग आज 11 बजे से 2 बजे तक इस मुहिम में शामिल हों, ऐसा हम प्रण करें। आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि उन लोगों की आवाज बने जिनकी कोई नहीं सुनता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पूरे देश में पिछले 60 दिनों से लॉकडाउन के तहत इस देश के, इस राज्य के गरीब, किसान, मजदूर परेशान हैं। इसकी परेशानी को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कांग्रेस जनों के द्वारा मांग रखा गया है। नंबर एक कि इस देश के गरीब के खाते में, मजदूर के खाते में 10,000 रुपया मदद अविलंब किया जाए एवं छोटे व्यापारी को भी वित्त मदद किया जाए। दूसरा, इस राज्य के प्रवासी मजदूर को निःशुल्क उनके घर तक पहुंचाने का काम किया जाए। तीसरा, मजदूर को मनरेगा योजना के तहत 200 दिन का रोजगार अविलंब मुहैया कराया जाए। इस कोविड महामारी को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी गोड्डा के द्वारा विभिन्न गरीब, मजदूर और सहाय के बीच 15,000 मास्क, 11,000 साबुन, हजारों लोगों के बीच चावल, दाल, आलू एवं स्वास्थ्य का सामान भी बांटा गया। इसी क्रम में आदरणीय प्रदीप यादव जी के द्वारा एवं 50 कांग्रेस समर्थकों के द्वारा सदर अस्पताल गुड्डा में 50 यूनिट ब्लड दान किया गया ताकि गरीब को उस ब्लड का काम आ सके। इसी क्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो इस राज्य के मुखिया भी हैं, उनके द्वारा प्रवासी मजदूर को, गरीब को, किसान को जो मदद किया जा रहा है, यह सराहनीय काम है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव साहब, हमारे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय आलमगीर साहब के द्वारा जो इस राज्य के गरीब, मजदूर, किसानों को जो मदद किया जा रहा है, यह सराहनीय कार्य है। और दिल से मैं इन सारे मंत्रियों का, झारखंड सरकार का दिल से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और गोड्डा जिला में हमारे दो विधायक भी हैं, दोनों विधायक
आदरणीय प्रदीप यादव जी, आदरणीय दीपिका पांडे सिंह जी के द्वारा हजारों गरीब मजदूर किसानों को जो मदद किया जा रहा है यह सराहनीय कार्य है। मैं इन दोनों विधायक को दिल से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। इस भयानक महामारी में सबसे दुखद स्थिति रोजमर्रा मजदूर भाइयों का है, जिसकी स्थिति अति दयनीय है। सरकार से निवेदन है कि फौरी तौर पर हरेक मजदूर परिवार को 10,000 तत्काल खाता में राहत दिया जाए, जिससे मजदूर भाइयों को आर्थिक परेशानी से निजात मिले।